भाई यार सोच रहे हम भी एक सॉन्ग वॉन्ग गाए क्या गा लीजिए बिल्कुल। हिंदी म्यूजिक पर मैं अपना एक सॉन्ग लाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में सजेशन दो क्या। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे सभी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी का सीन ऐसा है कि अभी मैं रूम से निकल गया हूँ पटना से। एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ गोरखपुर, तो यहाँ से फिलहाल हाजीपुर निकलता हूँ। हाजीपुर से शायद 11:30 बजे करीब ट्रेन है, तो बस चलता हूँ हाजीपुर। 11:30 बजे करीब ट्रेन है, तो वहाँ से हम लोग 4-5 बजे पहुँचेंगे। अभी जल्दी जल्दी में हम निकल गए, कहीं लेट ना हो जाए। 10:30 यहीं पर हो गया, 11:30 बजे ट्रेन है, तो 1 घंटा में मुझे हाजीपुर पहुँचना है। पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं। फिलहाल अभी यहाँ चलते हैं, 0 माइल 0 माइल से निकलेंगे। तो सीन ऐसा का अभी अभी हम लोग आ चुके हैं हाजीपुर। जैसे ही हाजीपुर पहुँचे वैसा ही ट्रेन आ चुका था, फटाफट हम लोगों ने टिकट लेके एंड ट्रेन पे आ चुका हूँ। अभी यहाँ से ट्रेन भी खुल चुका है, फिलहाल उतरते हैं गोरखपुर, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो भाई सब सुबह के 11 बजे करीब ट्रेन चढ़े थे, अभी शाम के 5:30 बज रहे। टोटल 6 घंटे लगे मेरे को गोरखपुर पहुँचने में। मैं ऐसी ट्रेन से आया करके मेरी हालत ख़राब हो गई, और मैं अभी चल रहा हूँ बस एक दोस्त के रूम पे, वहाँ पर चलकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर कल का देखते क्या प्लानिंग बनता, बेसिकली आगे का देखते क्या सीट होता है, फिर चलते हैं। भूख वूख भी सुबह से यार कुछ खाया भी नहीं है। जैसे ही आया हाजीपुर ट्रेन मिल के ट्रेन चढ़ गया, उसके बाद खाने पीने का याद ही नहीं आ रहा है। बस अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर कुछ खाते हैं। ये आपको दिख रहा है इधर है सामने नौका विहार। इससे पहले आया था तो मैं गया था, बट इस बार जाएंगे नहीं। बस अभी फिलहाल चलते, बहुत ज़्यादा थक गए यार ट्रेन पर आते आते। मैं ना एक जैकेट ले लिया, अपना हुडी ले लिया, इससे बैग ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और ठंडी कुछ नहीं है यार, मतलब नॉर्मल ठंडी है। अब पछता रहा हूँ कि क्यों लेकर आया इसको। इधर ये है नौका विहार का मेन गेट, जो हम अभी नहीं जाएंगे। पिछली बार गए थे, अभी से जाने पर मतलब नहीं बनता। नौका विहार का मेन गेट, यहाँ से आप नौका विहार जा सकते हैं। भाई साहब वो बताए थे जिस लोकेशन पर आ चुका, एंड वो भाई अभी तक नहीं आया। मंदीप भाई आ चुके, कैसे हो? वेलकम अगेन भाई जी हमारे यहाँ, बस बढ़िया है। दूसरी बार आना हुआ, एंड हम तो सोचे कि आएंगे, बट कोई बात नहीं, एंड अभी आए एंड आगे भी चलना। अभी फिलहाल चल रहे रूम पर, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है भाई। कैसे इतना दूर है? बस गाड़ी है, बस लगभग 700 मीटर है। फिलहाल गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहा है, बाकी अभी मनदीप भाई खाना बना रहे हैं। सब चीज़ आता है काम करने है ना। थोड़ा बहुत तो आता ही है भाई, हमें ही नहीं आता यार खाना बनाने। सब चीज़ आता है बट खाना बनाने नहीं आता भाई को, हर चीज़ आता है। हर चीज़ में सब चीज़ समझ ही गई होगी। बाकी ये वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ, अब आके आपको नेक्स्ट डे मिलता हूँ। तो हेलो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी मैं फिलहाल हूँ गोरखपुर में, एंड रात को आया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो गया था ना, तो फिलहाल उस टाइम तो खाना पीना खाकर हम लोग सो गया था। एंड मैं अभी रुका हूँ एक दोस्त के स्टूडियो में, तो अभी मैं फिलहाल चलकर अंदर दिखाता हूँ। एंड सोच रहा हूँ गाना गाता हूँ भाई, मैं वैसे पर्सनली गाना उन्हें गाता नहीं हूँ, बट अभी चलकर गाता हूँ और मिलवाता हूँ सभी से। और बाकी का आज का ये प्लान है कि आज हम कहीं निकलने वाले हैं, उसके लिए दीपू ब्लॉग है, वो आ रहे हैं गोरखपुर। आते हैं उसके बाद पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी मेरे को भी कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल अभी बस मौज कर रहे थे अंदर बैठ के, तो दिस इज स्टूडियो, उनका ये स्टूडियो रहा। चलते अभी सब लोग तो बैठ के अभी रिकॉर्डिंग करने में है। इधर ये कुछ सेटअप रहा, और इधर मनदीप भाई गुड मॉर्निंग। यही सोच रहे हम भी एक सॉन्ग वॉन्ग गाए क्या। गा लीजिए बिल्कुल यार। आप कल गाए थे क्या? मैंने भाई इधर पूरा सेटअप लगा हुआ है, अंदर गाने वाला है। मैं सोचता हूँ कि आज एक सॉन्ग गाता हूँ, मतलब एक्चुअली ये सीन है ना कि भाई से बोलकर मैं ना एक म्यूजिक कंपोज करवा रहा हूँ, मतलब ब्लॉग चैनल के लिए, जिसमें कि नो कॉपीराइट रहेगा। जिन किसी को भी चाहिए, मैं तो पर्सनली यूज करूंगा ही, बट वो आप लोग के लिए भी नो कॉपीराइट ही रहेगा। अभी कंपोज करवा रहा हूँ कुछ टाइम बाद है ना, तो इसके लिए खासतौर पर गोरखपुर आना हुआ था कि अपना म्यूजिक हो जाएगा, तो नो कॉपीराइट वगैरह का सीन नहीं रहेगा। इधर फाइनली मिलिए हमारे एक और मित्र से, इधर दीपू भाई कैसे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बस करते हैं, अच्छे होंगे। तो भाई का ये स्टूडियो में आए थे, काफी अच्छा लगा भाई से बात करके यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी क्या बोलते हैं, हम एक सॉन्ग गाए क्या? मेरे को भी फर्स्ट टाइम स्टूडियो में आए, और अभी जानते हैं भोजपुरी का बहुत ज्यादा क्रेज चला हुआ। मैं तो बस बॉलीवुड, भाई का भाई इतना ज्यादा टैलेंट कि मतलब डांस भी करते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं। इनका एक ऐसा सॉन्ग है मतलब
बहुत अच्छा गाते हैं, डांस भी और स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, बाकी सारा चीज एडिट वगैरह सब यही करते हैं। एंड अभी मैं एक सॉन्ग वगैरह ऐसे ही बस नॉर्मली गाता हूँ, वैसे कुछ मेरा आने वाला नहीं है। हाँ बट प्लानिंग है कि कोई सॉन्ग करूँ, उस पर वीडियो वगैरह करूँ। बाकी इधर कोई धुन जरा बजा के दिखाइए हमें, अभी आज जस्ट कोई सॉन्ग का एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं इधर। और ये तो बस ये क्या हुआ, घड़ी मंगाए भाई? अभी घड़ी मंगाई है मैंने फ्लिपकार्ट से, तो उसी का सेटअप कर रहा हूँ मैं। सही है ना घड़ी? घड़ी बिल्कुल सही है। और ये कोई एक सॉन्ग बजा, एक्चुअल में घड़ी मेरी नहीं है भाई। भाई देखो ना, अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, म्यूजिक एक अलग कनेक्शन देता है। ये देखो बस अभी तो कंपोजिशन चल रहा है बॉलीवुड सॉन्ग का। अच्छा बॉलीवुड सॉन्ग का? हाँ, तो इसमें लगा हुआ हूँ मैं, थोड़ा सुनाना चाहूंगा आपको। कोई एक जिसमें नो कॉपीराइट आए, ऐसा चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल अभी तो बस कंपोज ही हो रहा है ना, आप लोगों को भी सुनाते हैं गाइस ये चीज। तो सॉन्ग आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल भाई ने गाया है, काफी अच्छा लग रहा है, सुनाइए एक बार। अभी म्यूजिक है कि पूरा गा दिया? पूरा गाना है, ये फ्रेश है, बिल्कुल सुना नहीं सकते वीडियो। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई रिदम सुना सकते हैं, कोई कॉपी मार लेगा भाई। हाँ थोड़ा सा एक लाइन वैसा कोई तो एक लाइन से थोड़ी ना कोई कॉपी मारेगा, मार भी सकता है तो अपना अलग रिलिक्स बनाएगा ना। अपना भगवान ने इतना टैलेंट दिया कि मैं दूसरा कर लूंगा यार। मेरा है और मैंने खुद लिखा है, और मैंने अभी कंपोजिशन हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, मतलब है, लेकिन इसका जो लिरिक्स हुआ कितना अच्छा है। बस रहने दीजिए, किसी ने चुरा लेगा सही में। भाई इसमें भी है लिरिक्स, कोई मेहनत से लिखता है एंड सोचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोई चंद सेकंडों में कॉपी कर लेता है। बट कोई नहीं, भाई ने अच्छा गाया यार, मतलब काफी अच्छा है। एंड जब कंपोज कर लेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा वो। बाकी मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ कुछ थोड़ा बहुत, वैसे तो गाता नहीं हूँ मैं, अगर मैं अपनी आवाज से अगर सॉन्ग गाऊंगा तो आप लोग शायद भाग जाओगे यार। मैं ना स्टूडियो में सॉन्ग गाया लेकिन वो सुनने लायक नहीं रहा, तो मैं आप लोग को वो दिखाऊंगा नहीं, मैं गाया नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा वो शर्म आता। बट मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी जो मैं म्यूजिक सुनाया हूँ या तो फिर और कोई हिंदी म्यूजिक पर मैं अपना एक सॉन्ग लाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में सजेशन दो क्या मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि एक सॉन्ग अपनी तरफ से, मतलब पर्सनली किसी का बॉलीवुड कॉपी नहीं, ये भाई थे दीपू भाई, उनसे राइट करवा के, तो जो अभी सॉन्ग है 2-3 सॉन्ग ऑलरेडी वो लिखे हुए, तो उसी पर हम लोग काम करके सोच रहा हूँ लाने का। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई क्या सीन रहेगा, बाकी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, ये मेरे चैनल के लिए नया रहेगा, बाकी आप लोग बताना। तो बस आज के व्लॉग के लिए यहीं तक रखते हैं, एंड कल के व्लॉग में आप लोग बताएंगे कल का क्या सीन होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग जो जाने वाले थे उसमें एक बाधाएँ आ गई है, तो उसकी वजह से अभी कन्फर्म नहीं हुए कि जाना है या नहीं। बाकी फिर यार मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, बाय।